सब इल्लीगल बिल्डिंग है, ये नोटिस भेजा आपने, वो सब? भिड़े भाई, ये तो सब नाटक था। आपको तो पता है गोकुलधाम सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है? सरप्राइज सोसाइटी। अरे टेंशन छोड़ो, सोसाइटी में आराम से रहो, मौज करो। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को कोई छीन नहीं सकता है। सारक भाई, आपने हमको जबरदस्त सरप्राइज दिया। अभी हम सब गोकुलधाम वासी मिलके आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश हो रहा है सरप्राइज। भाभी और आप सबका मैंने डांस किया, गरबा किया, लेकिन मेरे गाने पे आप गरबा करके दिखाओ तो बात बनेगी। सो रेडी स्टेडी गो। रोहित भाई, आप हमारी इस सोसाइटी में आए और हमारे ये 5 साल के जश्नों को आपने ऐसे शानदार बना दिया है कि हम ये जीवन भर याद रखेंगे।
थैंक यू अर्षद भाई और रोहित भाई, और मेरी तरफ से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सारी टीम को, सारी डायरेक्शन टीम को, एक्टिंग टीम को, प्रोडक्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये जो पांचवा साल है, आपको बहुत मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं हमारी चेन्नई एक्सप्रेस की टीम की तरफ से कि आप 50 साल 500 साल तक हमको ऐसे ही हंसाते रहें। और ऐसे ही खुशी बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड थैंक यू वेरी मच अर्षद भाई फॉर हैविंग अस ओवर हियर। थैंक यू। ईश्वर की कृपा से हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 5 साल की मंजिल पूरी की है। और अभी हम सब लोग 6ठे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सारे कलाकार, जेठा भाई, दया भाभी, चंपक चाचा, भिड़े भाई, माधवी भाभी, मिस्टर एंड मिसेस रोशन, तारक भाई, अंजलि भाभी, मिस्टर एंड मिसेस हाथी, सबकी प्यारी बबीता जी, अय्यर साहब, नट्टू भाई, भागा भाई, अब्दुल, टप्पू सेना, हरे भरे पोपटलाल और अहमदाबाद के सुपर किंग सुंदरलाल, मैं आप सब लोग का बहुत आभारी हूँ। साथ में मेरे राइटर्स जिसने सुंदर एपिसोड लिखा, अब्बास भाई, साथ में पूरी टीम, जीतू भाई, राजू राजन, हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे सबके फ्रेंड चालू पांडे जी यानी दयाशंकर पांडे जी, सोहिल रामानी, प्रोडक्शन टीम अरविंद मर्चंडे, एडिटिंग टीम संदीप भाई और उनकी टीम, कैमरा में आमिर भाई और उनकी टीम, मिलिंद भाई, आसिफ भाई, अखिलेश, नरसिंह, मेकअप टीम आनंद भाई, मिलिंद भाई, स्पॉट बॉय, सारे वर्कर्स, सब लोग जो शो से जुड़े हुए हैं हमारे ये सेलिब्रेशन के लिए, जिन्होंने इतने सुंदर कपड़े डिजाइन किए, जीतू भाई लाखानी जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सुनील पटनी जी और हमारे डायरेक्टर अर्षद भाई और मालव राजड़ा और उनकी पूरी टीम, और हमारी टीम के अजीज दोस्त महेश भाई वकील, हितेश भाई पटेल, पोची भाई, भूषण भट्ट और चंद्रकांत शाह, हम आपके आभारी हैं। 28 जुलाई 2008 को जब हमने शो चालू किया था, तभी ये सोचा न था कि हम लोग 5 साल पूर्ण कर सकेंगे। ये सब हुआ है सिर्फ हमारे दर्शकों के प्यार की वजह से। हमारे दर्शकों का प्यार वही हमारा टॉनिक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए हमारे तारक मेहता, जिनकी कॉलम से हमने ये शो बनाया है, दुनिया ने उंधा चश्मा के राइटर तारक मेहता, उनके भी हम आभारी हैं। ईश्वर उनके आशीर्वाद हमारे पे बरसाते रहे, उनकी कृपा हमारे पे रखे। हम लोग सब इसी मेहनत से आपका मनोरंजन करते रहे, वही प्रार्थना करते हैं और हमें आपका प्यार मिलता रहे। असली मजा सबके साथ। आज 5 cheers होंगे, रोज 3 cheers होते हैं। आज 5 cheers फॉर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। न 10 बज गया और मैं अभी तक नाश्ता बनाने में से ऊंची नहीं आ रही हूँ। टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं, कितने काम बाकी है, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो जाग जाए, चाय नाश्ता कर ले तो मैं मेरे आगे के काम कर सकूं। वो लगता है अभी उनको जगाना ही पड़ेगा। अरे दया कुरो करो थी। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा उठिए, अरे उठिए टप्पू के पापा, रेडी सुबह सुबह क्या खो खो खेल रही है, सोने दे। अरे खो खो नहीं, पो, रेडी स्टडी पो। तू पो। बो। बापूजी। जेठिया जाग गया। अरे वाह, दुकान में चला गया। दुकान? टप्पू के पापा अभी नहा रहे हैं बाबूजी।
कब का जाग गया और अभी लाने गया? अरे दया टुवाल ला जल्दी। हाँ लाई। एक मिनट रुक बहू। अरे जब लाने जाता है तब टुवाल लेके क्यों नहीं जाता? कौन? तेरा बाप। अच्छा आप? बापूजी वैसे तो मैं रोज टुवाल लेके ही जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं भूल गया। इससे अच्छा जल्दी जाग गए होते तो। ये सब तेरे कबके की वजह से हुआ। कबके? मेरा कौन कबके है? टप्पू के पापा कबके उठ गए ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या बोलती? टप्पू के पापा अभी जगे ऐसा बोलूं? बापूजी ने तुझे क्या पूछा? जेठिया जाग गया? हाँ बस ये, हाँ इतना ही बोलना था। कब के उठ गए ऐसा गाना गाने की जरूरत नहीं थी। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आता है ना, तो तू भी जब यहाँ जाए जो हिंग हिंग करती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपका टुवाल अभी लेकर आती हूँ। टप्पू, 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 टप्पू सेना, आइए दादी, आइए दादी, दादी जी टप्पू कहाँ है? टप्पू कब से अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठा है? दादी जी, दादी जी, चल चल चल, टप्पू, हेलो, कंप्यूटर पे क्या कर रहा है? अरे फ्रेंड्स तुम लोग भूल गए? हम लोग ने 8-10 दिन पहले वो स्मॉक्स 2 फिल्म के कंपटीशन का फॉर्म नेट पे भरा था। अरे हाँ, 28 जुलाई के बाद तो स्मॉक्स 2 कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था ना। हाँ, और 2 अगस्त को तो इंडिया में स्मॉक्स 2 3D में रिलीज हो रही है, हम सब देखने जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ओए सोलू वो तो देखेंगे, लेकिन टप्पू पहले देखना इनाम क्या है और हमें लगा कि नहीं। अरे गोगी यार मैं वही देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरा नेट बार बार हैंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलो ना मेरे घर का नेट ट्राई करते हैं। वाह हाँ चल चल चल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। यस ये कैन यू टेल मी वेयर इज द त्रिपेंद्रा जेठाला गाजा रेजिडेंस? टेल मी वेयर इज द त्रिपेंद्रा जेठाला गाजा रेजिडेंस? ओह त्रिपेंद्रा जेठा भाई, यस यस लिविंग हियर हियर। So where is the residence? You looking that city? Go up. Yeah, bridge coming. And then one door, bell, poop, ting ting, tong tong. Yes, and go inside. Everybody is there. Okay, thank you. Thank you. अरे दया चाय ला। सुप्रभात बापूजी। ये प्रभात कुमार 11 बज रहे हैं, एक घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। सुप्रभात बोलता है। सॉरी बापूजी, वो कल शाहरुख खान भाई के साथ गरबा किया ना, तो थोड़ा थक गया तो थोड़ा लेट उठा। टप्पू के पापा चाय नाश्ता। कल तेरे से ज्यादा तो बहू ने गरबा किया, वो कहाँ थकी है? सुबह जल्दी उठ के कब से घर का काम कर रही है? अरे दया तो माना सच क्या से? मतलब दया की बात ही निराली है बापूजी। दया नी के बात थाय, सीरा नु के साग थाय। एक मिनट मैं। ए तू रुक इधर रुक। बहू जाके दरवाजा। जी बापूजी। क्या बोल रहा था भाई? क्या सीरा क्या? नहीं मैं ये कह रहा था। टप्पू के पापा। क्या हुआ? सात समंदर पार से वो हमें मिलने आया है। तैर के? वो नहीं पता।
अरे पर कौन है अंदर तो बुला कौन है क्या है आइए कम वेलकम वेलकम आइए आइए कम थैंक यू थैंक यू हेलो हेलो त्रिपेंद्र जितखाला गाजा त्रिपेंद्र बेटा बैठा बेटा बैठिए 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 सोफा बैठिए बैठिए दया पानी पानी दो अब मेरे साथ क्यों इस तरह से बात कर रहा है मैं तो आपकी भाषा समझती हूँ हाँ तो फिर खड़ा क्या है जाइए पानी लेके आइए जल्दी टिपेंद्र मैं फादर टिपेंद्र का अरे मेरा फादर नमस्ते पानी सॉरी थैंक यू थैंक यू बस पी लिया पानी फॉरेनर लोग ज्यादा पानी नहीं पीते ना थोड़ा खाली टेस्ट करके रख देते ले लीजिए ग्लास ले लीजिए हाँ। थोड़ा पिया हाँ। वो लोग नहीं पीते ज्यादा पानी मिस्टर गादा माय नेम इज जूलिया दिस इज मिस्टर रिकी टप्पू के पापा ये कह रहे हैं कि ये जूलिया बहन है और ये रिकी भाई है मुझे क्यों समझा रहे हैं मुझे तो अंग्रेजी आती है हाँ नहीं सॉरी जेठिया ये परदेसी मेहमान हमारे घर क्यों आए ये तो पूछ हाँ क्या हुआ टप्पू के पापा पूछिए ना जरा पहले ये जानना पड़ेगा ना ये लोग कौन सी अंग्रेजी जानते हैं कौन सी अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी तो एक ही प्रकार की होती है ना नहीं भाई अलग अलग देश में अलग अलग टाइप की अंग्रेजी बोली जाती है अरे बाप रे इसलिए पहले ये जानना होगा कि ये लोग कौन से देश से आए हैं जूलिया बेन विकी भाई आप दोनों कौन से We came here to meet Tipendra Jethalal Gada. Daya, Baba ji. ये लोग कब से टिपेंद्रा टिपेंद्रा कर रहे हैं तो टप्पू ने कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल का कोई तूफान तो नहीं किया होगा ना अरे शुभ शुभ बोलना भाई तो ये कब से टिपेंद्रा टिपेंद्रा क्यों कर रहे हैं देख लीजिए आप इनसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में बात करते रहेंगे तो शाम हो जाएगी एक काम कर मैं तो उसको बुला ले पापा बापूजी बराबर कह रहे हैं हाय गुड मॉर्निंग अरे बबीता जी बबीता जी आई आई बबीता जी आई सॉरी अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ अरे नहीं नहीं काहे क्या बिजी आपके लिए हम लोग कभी बिजी हो ही नहीं सकते बिजी हो ही बीजा आइए आइए बे झिझक आइए एक्चुअली वो कोलकाता से खीर कदम आया था तो मैंने सोचा कि अरे बहुत अच्छा सोचा आपने बबीता जी मुझे बंगाली मिठाई भी बहुत पसंद है इसलिए तो मैं लाई हूँ थैंक यू ओके मैं चलती हूँ बाय एक मिनट बेटा जी चाचा जी जीजा पापू जी बराबर बोल रहे हैं बबीता जी एक मिनट ये जूलिया बहन है और ये रिकी भाई है ये लोग कब से टप्पू के बारे में टिपेंद्र टिपेंद्र करके कुछ अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा अच्छा तो मैं पूछ लेती हूँ Hi, my name is Babita. He's Tipendra's father and she's his mom. He's his grandfather.
And you guys? We are here to meet and congratulate Dipendra Gada. Congratulate for what? Sony Pictures, Smurfs 2 is releasing on 2nd of August. And Dipendra is the winner of Smurfs 2 movie competition. Wow, is it? Congratulations! क्या हुआ बबीता जी? दया पूछ रही है। जेठा जी, दया भाभी, ये लोग आपको खुशखबर देने आए हैं। 2nd August को जो Smurfs 2 movie release होने वाली है, उसके competition में टप्पू ने हिस्सा लिया था। और वो competition जीत चुका है। टप्पू के Smurfs 2 के कंपटीशन में इनाम जीतते ही गोकुलधाम में खुशियों की लहर दौड़ गई है। लेकिन इस इनाम जीतने के पीछे एक बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि इस कंपटीशन का फॉर्म भरते वक्त टप्पू ने ये वादा किया था टप्पू सेना के साथियों से कि भाई जो भी इनाम निकलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। लेकिन अब क्या होगा? क्या ये इनाम आपस में बट सकेगा? अगर इनाम बटने वाला न हुआ तो क्या इस इनाम को आपस में वो लोग आधा आधा कर सकेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? टप्पू सेना में हंगामा होगा, क्या करेगा टप्पू? क्या है ये इनाम? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हाँ, Smurfs 2 एक इंटरनेशनल फैमिली एंटरटेनर है जो मजेदार, रोमांचक, लाइव एक्शन और साहस से भरपूर जिसमें कॉमेडी है, इसे देखना मत भूलिएगा। फिल्म भी देखिए और तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप देखेंगे ही। तब तक सोचिए क्या है इनाम। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।